तो एक सजेशन दे जो तू हर आर्टिस्ट को देना चाहता है, किसी भी फील्ड का हो, डजेंट मैटर, कि बस एक सजेशन कि उनको से ये फॉलो या नहीं, नहीं कुछ भी ऐसी चीज, क्या देख देगा यार, तू? सजेशन सजेशन देना ना वैसे तो मेरे को बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज चल बता देता हूँ कि जैसे मैं एक चीज जरूर मानता हूँ कि मैं कोई ऐसा बंदा हो नहीं अभी कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूँ बता सकूँ, पहली बात तो ये। अब आते हैं बात पे कि अगर मेरे को कुछ बताना हो, अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना हो, तो भाई मैं ये कहूंगा कि एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। एक्सप्लोर करना, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि हम क्या होता है क्रिएटिव फील्ड में, क्या होता है ना, हम सबने अपनी अपनी फील्ड चुन ली, जैसे कोई राइटर है, कोई पोइट है, कोई फोटोग्राफर है, सिनेमाटोग्राफर है, म्यूजिशियन है, पेंटिंग कर रहा है, पेंटर है, तो हम क्या करते हैं ना उसी चीज के साथ में जुड़े हुए रहते हैं बस, कि अब हम यही करेंगे, हमें यही करना है, और इससे बाहर हम उस बबल से बाहर ना हम जाते ही नहीं है जो हम बबल बना लेते हैं अपने लिए। एक चीज जो, हाँ, तो एक चीज जो मैंने करी ना वो ये कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आप हर जगह से लो, बेशक आप फोटोग्राफर हो, बट ये जरूरी नहीं कि आपको इंस्पिरेशन फोटोग्राफी से ही आएगी या किसी फोटोग्राफर से ही आएगी। भले ही ऐसा हो सकता है आप कोई मूवी देख रहे हो, अब उसमें जो फिल्म डायरेक्टर का काम है या एक्टर का काम है या सिनेमेटोग्राफर का काम है, वो आपको इतना खतरनाक लग गया कि आपको सडन इंस्पिरेशन आ गई कि यार मतलब कैसा बढ़िया काम है, मेरे को भी मतलब कुछ अलग सा करना है। या आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई पोइट्री सुनी, वो आपको उससे कुछ हिंट मिल गया अचानक से। जैसे मेरे साथ में बहुत होता है, जैसे मान ले मैं एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ, मैं हूँ फोटोग्राफर प्रोफेशनली, अगर कही जाए प्रोफेशनल भाषा में अगर बोलूँ तो पेशे से तो मैं फोटोग्राफर ही हूँ, ठीक है ना, बट मैं जितनी चीजें देखता हूँ, मैं किताबें भी पढ़ लेता हूँ, इंटरेस्ट है मेरा, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, ठीक है ना, फिर मैं कहूँ कि पोइट्री में मेरा इंटरेस्ट है, पोइट्री पढ़ने में, पोइट्री सुनने में, देखने में, ठीक है, बिग फैन ऑफ तो क्रिस्टोफर नॉलन। हाँ, क्रिस्टोफर नॉलन, बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज मुझे बहुत पसंद आती है, अच्छी लगती है। तो अब वहां से इंस्पिरेशन कैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मैंने किसी की पोइट्री मैंने पढ़ी या सुनी, अब वो पोइट्री इस हद, क्योंकि आर्टिस्टिक स्किल क्या होती है ना कि आप अपने अंदर के जो आप फील कर रहे हो उसको जितना बेटर तरीके से आप अपने बाहर ला करके रियलिटी के धरातल पे जितने अच्छे तरीके से आप उसको पटक पाओगे, उतने अच्छे तरीके से सामने वाले तक वो डिलीवर हो जाएगी। अगर आप मक्कारी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, सच्चाई आपके अंदर वो नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, आप सिर्फ बनावटी कर रहे हो, तो वो हार्ट टू हार्ट वाली फीलिंग नहीं आती। बट अगर किसी ने दिल से कोई चीज लिखी है और वो चीज फिर टच कर गई है, तो वो वर्डिंग्स आपको भी टच हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है जो मैं बता रहा था एक्चुअल में, कि मैंने कोई पोइट्री पढ़ी तो वो पोइट्री के वर्ड्स या उस पोइट्री की जो थीम है वो ऐसी थी कि मुझे उस पोइट्री ने ना अपने किसी पास्ट मेमोरी में जाने में मजबूर कर दिया, कि जब मैं पहाड़ों में बैठा हुआ था, एक दिन नदी किनारे बैठा हुआ था कहीं पे। क्या होता है कि जैसे मैं जो बता रहा था एग्जाम्पल कि पोइट्री कोई पढ़ी किसी की, गुलजार की पोइट्री, गुलजार जी गुलजार बहुत, साहब हाँ, तो कोई पोइट्री पढ़ी सडनली, या कोई गाना सुना उन्हीं का, कोई लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, कोई पुराना गाना मैं सुना, एक गाना है, मैं कौन सा एक गाना है, मैं बहुत सुनता रहता हूँ उसे यार, तो जब मैं बताता उससे हूँ, नाराज नहीं जिंदगी, नहीं, नहीं, दिल ढूंढता है फिर वही, दिल ढूंढता है, हाँ हाँ वो गुलजार ने ही लिखा हुआ है और गाया भूपिंदर भूपिंदर करके कोई सिंगर थे पुराने, वो गाना जैसे सुना तो कई क्या होता है ना कि वो मेमोरी में चले गया, तो वो जो मोटिवेशन आपको अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं मिल रही थी, आप अभी खाली थे, आपका दिमाग नहीं लग रहा था, आपने सडनली वो गाना सुना, आप पीछे गए किसी अपनी मेमोरी में और आपने वो एग्जाम वो अपने मतलब उस दृश्य को दोबारा से देखा, यार आप पहाड़ों में थे और ऐसा ऐसा था, और कुछ कुछ भी इंस्पिरेशन आपको फॉर एग्जाम्पल आ गई, और वहां से आपको इंस्पिरेशन आ गई, आप अपने आप को मोटिवेट आपने कर दिया और अब आप दोबारा से इन लाइन हो गए, अलाइन हो गए अब अपने काम के साथ दोबारा। तो एक जो सबसे बड़ी सलाह वो ये रहेगी कि चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं, अपनी फील्ड में रहो वो तो अच्छी चीज है, बट इंस्पिरेशन का एक ना वो होता है, क्रिएटिविटी में कहा जाता है कि क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन ऐसी चीज है जो आप कहीं से भी आ जाती है, कभी भी आ जाती है, किसी कभी भी भी फील्ड कहीं से आ से भी जाएगी, कूदते काटते तुम्हारे पास आ जाएगी, कूदते वो काटते आ जाएगी, सोचने का कहीं से भी तरीका, आपको मिल जाएगी, परसेप्शन, वो एक तरीका ही तुम्हारा आर्टिस्टिक लेवल पे अलग ही होता है। ठीक है, अलग अलग चीजों से इंस्पिरेशन लो, चीजें एक्सप्लोर करते रहो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, प्रैक्टिकल एडवाइस जिसको मैं कहूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में करी है, वो ये है कि भले ही आप आर्टिस्ट हो लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी के टच में रहना चाहिए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं तो सिर्फ हमारी आर्ट हमको बचा लेगी या हमको आगे लेकर के चलेगी, बट
सबसे बड़ी जो सीख मैंने भी सीखी थी किसी से वो ये कि जब अपने पैशन को आप प्रोफेशन बनाने की तरफ चलते हो ना, तो उस पैशन के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ख्याल आपको रखना पड़ता है। बहुत से स्किल सेट है जो आपको सीखने पड़ते हैं अलग से अपने पैशन को जगाए रखने के लिए, अपने पैशन को मतलब कैरी ऑन करने के लिए। मैं ये कहूँगा तो वो जो पैशन की जो एक लॉ होती है ना, ज्योति लॉ, उसको जला करके रखने के लिए आपको जैसे हाथ लगाना पड़ता है, बहुत सारे हाथ चाहिए कि वो बचा के रख सको आप। एक हाथ होता है किसी एक स्किल का, दूसरा होता है किसी एक स्किल का, तीसरा किसी और का, तो बहुत सारे हाथ मिल करके तब वो लॉ बची रहती। तो एक ही बचाना ही हार्ड है। हाँ बच, वो बचाना ही हार्ड है, क्योंकि तूफान तो एक, अगर तुम फ्रीलांसिंग है तुमने स्टार्ट करा है, तूफान आके तुम्हारी लॉ को कभी भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। और उसमें फ्रीलांसिंग में तो यही होता है ज्यादातर, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे, क्योंकि प्रोफेशंस में है अपने अलग अलग, लेकिन उसके अलावा वो कुछ नहीं करते, कोई स्किल सेट डेवलप नहीं करी, तो इसकी वजह से होगा क्या ना, उनको लगता है कि यार मेरा तो इसमें, मेरा इसमें पैशन है, मेरे को तो सिर्फ यही करना है, तो मैं बाकी चीज क्यों करूँ यार, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। जबकि वो इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर आपने अपने पैशन के साथ साथ में और बाकी चीजें जो जरूरी हैं उसके उसके साथ इनलाइन है वो नहीं सीखी ना, तो आपका पैशन भी बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला नहीं है, ठीक है ना, वो भी बहुत लंबे टाइम तक टिका नहीं रहेगा अगर प्रैक्टिकली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो। और वैसे भी आज के सिनेरियो में, अभी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में जब देखा जाए, तो पहले तो चलो ये था कि आप किसी चीज में अच्छे हो, आपने कुछ शेयर किया, आप में टैलेंट है, आप आगे पहुंच गए। आज क्या है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन हो गया जब से नेट का एडवेंट हुआ, इंटरनेट का और सोशल मीडिया का, कि आपको अपने स्किल के साथ साथ और बाकी एडेड स्किल्स आनी जरूरी है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपना काम करते हो और आपको कुछ और आता नहीं है, आपको खदेड़ के रख दिया जाएगा, आप बिल्कुल आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इफ यू आर एन आर्टिस्ट, अब जैसे मैं हूँ, मैं लिखता हूँ, ठीक है, तूने मुझे बताया, इसके साथ साथ एडिटिंग भी जरूरी है, क्योंकि तुम किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, तुम डिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, रहेंगे जब तक, तो मतलब हाँ, फिर वही जो तू बोल रहा है कि मैंने तेरे से भी ये चीज शेयर की थी जब हम एक बार बात कर रहे थे बैठ के, भाई अलग अलग स्किल को सीखना जरूरी है। अब एक तो है कि आपका कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो यार, कितना भी अच्छा दोस्त हो, आप एक हद तक ही उसके ऊपर डिपेंड रहोगे ना, और अगर वो भी अगर आपका सही में दोस्त है ना, तो वो आपको आजाद करने की बातें ही करेगा, वो आपको बंधन में डालने की बातें नहीं आपको बताएगा कि यार कोई नहीं, मैं हूं ना, मुझे दे दियो काम, मैं कर लूंगा तेरा। तो इससे तो फिर मैं सामने वाले को डिपेंडेंट ही बना रहा हूँ ना अपने ऊपर, डिपेंडेंसी तो क्रिएट कर रहा हूँ उसकी, अब उसको मेरी जरूरत पड़ेगी। बट कि जबकि सबसे ज्यादा बेटर ये रहता कि मैं सामने वाले को बोल दूं भाई ये चीज है ऐसे ऐसे करके सीखी जा सकती है, तो सामने वाले को अपने आप ही आ जाएगा, तो उसकी मेरे पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। बहुत जरूरी है अलग अलग स्किल सेट को सीखना, और आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो दो दोस्त है, देख तू मान सही है, तू आजाद होना चाहिए दोस्त तुम्हारा, अगर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे दोस्त तो नहीं भाई जैसा है, तो अगर तुम दोनों मिलके कुछ काम करते हो, तो उसको ग्रो होने का मतलब विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट, तुम दोनों एक साथ मिलके पर्सनल इंटरेस्ट से काम करते हो दूसरे की ग्रोथ के, तो भाई वो अलग लेवल का है। लेकिन दिक्कत जब आ जाती है जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जब वो चीज आ जाती है, तो तुम्हें डिपेंडेंसी, अगर तुम्हें पता चलता है डिपेंडेंसी है, तो तुम उसे खत्म करने की सोचते हो, खत्म करने की सोचते हो। हाँ, और ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा ऐसी कंडीशन में सफर ही वही करेगा जिसकी डिपेंडेंसी सामने वाले पे बहुत ज्यादा थी। डिपेंड, हाँ, क्योंकि तुम सोचते हो कि वो मुझे बंदा कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और मतलब वो है ना तरीके काम कर रहे हैं, उनको बड़ा लाइटली ले लेते हैं, अरे ये छोड़ के थोड़ी ना जाएगा, ये तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे मेरे तो पास के कितने मित्रों ने गए भाई, ह्यूमन कितने हैं भाई, वो तो इंसानों से नहीं जानवरों से लगाव हो गया। हाँ लोग ऐसे तो, भाई क्या ये होता ही है यार, ये होता ही है। तो फिर तभी तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरा सबसे बड़ी जो मेन जो मेरा पॉइंट रहता है ना, प्रेशरिंग पॉइंट जिसको मैं बताता हूँ कि भाई ये चीज आप कर लो, वो यही रहता है कि स्किल सेट सीखो आप जितने हो सके खाली टाइम में। यार आजकल तो जैसे लॉकडाउन लगा है, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल से लॉकडाउन था, जैसे सब घर में बैठे हुए थे, अब कितने लोग होंगे ऐसे जिन्होंने उस टाइम का यूटिलाइजेशन किया, और एक नहीं मैं कह रहा हूँ पांच पांच दस दस स्किल सेट सीख लिए अलग अलग। किसी को अच्छे तरीके से लिखना नहीं आता था, वो फोटोग्राफी करता होगा, लिखना नहीं आता, उसने लिखना सीख लिया,
किसी को बोलना नहीं आता उसे बोलना सीख लिया, कोई कोर्स कर लिया किसी चीज का, एडिटिंग का सीख लिया। हार्डली केसेस होंगे जिन्होंने एक्सप्लोर करा होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ एग्जैक्टली। और बाकी सारे ऐसे होंगे कि चलो यार लॉकडाउन चल रहा है, मजे की जिंदगी, छोड़ो ना क्या करना है। ठीक है भाई, फिर अब जब आप देखोगे एक साल बाद जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार एक साल पहले मैं भी उसी सिचुएशन में था, बाकी मेरे आसपास के जो कंटेम्प्रेरीज थे उसी सिचुएशन में थे, सडनली पता चला यार वो इतने स्किल्ड बन गए, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितना तेज एक्सेलरेशन उन्होंने किया कि वो कहाँ पहुंच गया, मैं अभी भी वहीं पे हूँ। तो वो इसी नेचर की वजह से हो यार, जब खाली टाइम था स्किल सेट बढ़ाओ ना अपना।